नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। पार्किंग के मामूली विवाद में बिहार की राजधानी पटना का जेठुली गांव दो दिनों से तनाव की आग में जल रहा है। घटना में तीन लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने हत्यारों के घर और संपत्ति को आग के हवाले कर दिया है। इसी बीच हिंसा की इस बड़ी वारदात को लेकर बिहार सरकार के मंत्री समीर महासेठ का अजीबोगरीब और गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया है। क्या कहा है नीतीश के मंत्री ने, देखिए इस रिपोर्ट में। कभी सुशासन बाबू के नाम से विख्यात रहे नीतीश कुमार की सरकार के मंत्री समीर महासेठ पटना हिंसा पर अपनी ही सरकार को घेरने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी और महंगाई के तनाव में युवाओं ने इस हिंसा की वारदात को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को रोजगार मिला होता तो यह घटना नहीं होती। बेरोजगारी से परेशान लोग अक्सर हिंसा की ऐसी वारदातों में शामिल हो जाते हैं। समीर महासेठ बिहार के उद्योग मंत्री हैं। शायद वह भूल रहे हैं कि राज्य के लोगों को रोजगार देने के लिए उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि उद्योग मंत्री ने बिहार की राजधानी पटना में हुई हिंसा की इस बड़ी वारदात के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, अगर वह पूरा किया होता तो हिंसा की वारदात नहीं होती। लेकिन उद्योग मंत्री यह भूल गए कि बेरोजगारों को काम देना उनका भी जिम्मेदारी है। बिहार सरकार ने 20 लाख नौकरी और रोजगार देने का वादा किया था। घटना के दूसरे दिन भी जेठुली गांव उबलता रहा। उपद्रवियों ने जगह जगह आगजनी सहित ITI सेंटर में तोड़फोड़ की। लोग फायरिंग करने वालों के घरों में घुस गए और वहां आगजनी और लूटपाट की। उपद्रवियों को रोकने पहुंचे पुलिस बल पर जमकर पथराव किया। पथराव में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात को काबू करने के लिए अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा। पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसमें दर्जन भर लोगों को चोटें आई। यह अफवाह भी फैलाई जा रही है कि पुलिस ने हालात को नियंत्रित करने के लिए हवाई फायरिंग की है, पर ग्रामीण SP ने इसे खारिज कर दिया है। उधर फतुहा के जेठुली गांव में 2 पक्षों के बीच हुई फायरिंग में घायल तीसरे शख्स मुनारिक राय की मौत हो गई है। उनका PMCH में इलाज चल रहा था। पुलिस ने इस मामले में 2 अलग-अलग FIR दर्ज की है। हत्या और उपद्रव फैलाने में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। SP डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लो ने कहा कि जेठुली में उपद्रव व आगजनी करने वाले 12 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि हत्या मामले में भी एक शख्स को पहुंचा गया है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। फायरिंग में इस्तेमाल किए गए हथियारों का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अभी तक के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। नमस्कार।